सो हे गाइस, दिस संदीप सिंह। आज मैं आपके सामने एक बहुत शानदार इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ जो आपके शायद बहुत काम आने वाली है। तो मैं बताने वाला हूँ भाई कि जैसे कि आप अपनी बाइक जो है उसे छोड़ के आप जा रहे हैं या कहीं बाहर जा रहे हैं महीने भर के लिए ट्रेनिंग के लिए, या कुछ भी रीज़न से आप बाहर जा रहे हैं, एक दो महीने आपकी गाड़ी खड़ी रहेगी, चालू नहीं होगी, तो उस कंडीशन में आपको उसका क्या क्या पहले ही करके जाना है ताकि गाड़ी ख़राब ना हो या कुछ उसमें आने के बाद खर्चा ना हो, तो उसके लिए मैं आपको सारी चीज़ें आज बताने वाला हूँ, क्या क्या आपको प्रिकॉशंस लेने हैं पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना, जैसे कि अभी मेरे पास बुलेट है, अगर मैं कहीं जाता हूँ एक महीने या दो महीने के लिए, सबसे पहले हमें जो चीज़ करनी हो मैं बताता हूँ, ये जो क्लच है, ठीक है, इस क्लच को आप है ना ऐसे टाई करके चले जाएँ, ऐसा ताकि इस पोजिशन में ही रहे हमेशा, मतलब एक महीने तक ऐसे रस्सी बांध के चले जाएँ। तो क्या होगा, ऐसे करने से आपकी जो क्लच प्लेट्स रहेंगी ना वो दूर दूर हो जाएंगी और ऑयल के कारण वो स्टिक नहीं होंगी। स्टिक नहीं होंगी क्या होता है, कई बहुत दिनों तक गाड़ी खड़ी रहती है तो क्लच प्लेट स्टिक हो जाती है, फिर है ना जैसे आप गाड़ी चालू भी करोगे ना बाद में दिक्कत क्या होगी कि आप जैसे क्लच छोड़ो मतलब क्लच में ही गाड़ी बंद हो जाएगी। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखें कि इसे बांध के चले जाएँ। या फिर दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हैं, आपके घर में कोई भाई वगैरह है कुछ भी है, उनसे बोल दें हर 5-10 दिन में गाड़ी मतलब इसे क्लच को गाड़ी में यूँ करते रहें ताकि वो क्लच प्लेट क्या फ्री हो जाए। तो ये आप ध्यान रखिएगा। सेकेंड पॉइंट मैं बताना चाहूँगा कि भाई आपकी टंकी में पेट्रोल है, जैसे आप एक आध महीने के लिए जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और आप बहुत लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले तो टंकी का आप पेट्रोल पूरा खाली कर दीजिए, क्योंकि वो पेट्रोल ख़राब हो जाता है भाई ज़्यादा टाइम तक रखे रहता है तो। और अगर थोड़े टाइम के लिए जा रहे हैं आप, जैसे 15 दिन 20 दिन या एक महीना डेढ़ महीना, तो उसके लिए आपको करना क्या है, जो कार्बोरेटर वाली गाड़ियाँ आजकल FI गाड़ियाँ बहुत आ रही, पर जो उनकी जिनकी कार्बोरेटर वाली गाड़ी, जैसे मेरी ये बुलेट कार्बोरेटर वाली, तो इसका एक नट होता है सबसे नीचे वाला ड्रेन नट, सबसे पहले टंकी का ये बंद करें फ्यूल, और इस नट को पूरा यहाँ से खोल के आज पेचकस से ढीला कर लेंगे तो पूरा पेट्रोल जो कार्बोरेटर का होगा पूरा ड्रेन हो जाएगा, तो कार्बोरेटर एकदम खाली हो जाएगा, तो कार्बोरेटर क्या इससे ख़राब नहीं होता है और कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो तीसरा पॉइंट मैं बताना चाहूँगा भाई, बैटरी जो है आपकी गाड़ी की, बैटरी का पावर डिस्कनेक्ट कर दें, बैटरी डिस्कनेक्ट करके रख दें। क्या होता है कि बैटरी पूरी ड्रेन हो जाती है, अगर वो लगी रहती गाड़ी में तो पूरी बैटरी ड्रेन हो जाती है। चौथा पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भाई, कोई लोगों के लिए आपको शायद हंसी भी आए सुन के, कि भाई चूहों से सावधान रखिए गाड़ी को। कैसे, आप मतलब जब भी गाड़ी खड़ी कर रहे हैं लंबे समय तक तो हो सकता है भाई उसमें चूहे आ जाएँ या कुछ उस आपका नुकसान कर दे गाड़ियों का, तो आप करिए क्या, इसमें जो केक आता है एक पॉइजन केक आता है, मॉर्टिन का भी आता है या बहुत तरह की चीज़ें आती हैं पॉइजन, तो आप गाड़ी में कहीं कहीं उसे फंसा जाएं ताकि भाई चूहे आए भी ना तो उससे दूर रहें, क्योंकि आपकी गाड़ी को डैमेज हो सकता है, वायर वगैरह काट देंगे तो आपका भारी नुकसान हो जाएगा। गाड़ी क्या रोज़ चलती रहती है तो कोई दिक्कत नहीं होती, पर ऐसे लंबे समय तक रखी रहेगी तो चूहे अपना घर बना लेंगे वहाँ पर और फिर आपकी गाड़ी को प्रॉब्लम हो सकती है। पाँचवा मैं पॉइंट बताना चाहूँगा, बहुत छोटी सी चीज़ है पर बहुत काम की चीज़ है, आप गाड़ी को ड्राई एनवायरनमेंट में रखें। ड्राई एनवायरनमेंट से मतलब मेरा जहाँ कि भाई पानी वानी से थोड़ा दूर रहे, ऐसा नहीं है वहाँ रोज़ पानी आ रहा है या ऐसा कुछ हो रहा है, शेड में रखें, ऐसी जगह रखें जहाँ पानी और धूप से थोड़ा दूर रहे गाड़ी, तो उसमें आपको गाड़ी को जंग लगने से भी बचेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट मैं बताना चाहूँगा भाई, बहुत से लोग ये गलती करते होंगे, जैसे कि आपकी गाड़ी खड़ी हुई है एक महीने के लिए, आप खड़ी करके जा रहे हो, आप बोल देंगे घर पे भाई कि 5 मिनट के लिए चालू करके रख देना, ये चीज़ आपको नहीं करनी है। क्या होता है जब शॉर्टर पीरियड के लिए हम गाड़ी चालू करते हैं तो सही नहीं रहता, या तो आप जैसे जा रहे हैं तो फिर भाई 15 दिन के बाद जैसे आप बोलते हैं अपने भाई को कि गाड़ी स्टार्ट करके रख दो, ऐसा नहीं करना। अगर आपका भाई या जो भी है उससे बोलते हैं आप गाड़ी चला ले थोड़ा अच्छी 10-15 किलोमीटर चल जाए तो वो बेहतर रहेगा ज़्यादा, शॉर्टर पीरियड के लिए आप स्टार्ट ना करें। तो नेक्स्ट पॉइंट मैं लेना चाहूँगा कि जैसे आपकी गाड़ी ज़्यादा लंबे समय के लिए खड़ी, अब एक दो महीने मत गिनिएगा आप यहाँ पे, जैसे 3-4 महीने 5 महीने ज़्यादा हो रहे हैं ऐसे बहुत लंबे टाइम के लिए खड़ी हुई बाइक, तो आप इसका इंजन ऑयल ज़रूर बदलें, इंजन का ऑयल फिल्टर ज़रूर बदलें, ये दो चीज़ ज़रूर चेंज कराएँ उसे चालू करने से पहले। और एक और चीज़, आप जब गाड़ी खड़ी करके जा रहे हैं तो हर जो मूविंग पार्ट है जैसे कि ये हो गया, स्टैंड हो गया, हर जगह आप ल्यूब करके जाएँ, थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल के जाएँ ताकि रस्ट वगैरह भी ना लगे और वो सही काम करता रहे। तो लास्ट पॉइंट मैं ये लेना चाहूँगा कि भाई आपकी जैसे गाड़ी है 150 cc 200 cc, उनका जो चेन रहती है, जैसे इसमें तो इस साइड है मैं आपको दिखा देता हूँ, चेन जो रहती है ओपन रहती है, इसमें क्या रहता है कि वो कवर नहीं रहता, चेन कवर वगैरह ओपन रहती है पूरी, देख लीजिए आप,
इसकी चेन ओपन है, पल्सर्स वगैरह की भी ओपन आती है आजकल, मोस्ट ऑफ दी बाइक्स की पूरी ओपन आती चेन। तो आप है ना गाड़ी की चेन को ल्यूब जरूर करके जाएं, जब भी जाएं ल्यूब करके रख जाएं, ताकि भाई उसमें रस्ट ना लगे, क्योंकि भाई चेन में रस्ट लग जाती है ना तो लंबा खर्चा हो जाता, मतलब आपका 1,000-1,500 रुपये का चेन स्पॉकेट, तो आप छोटी से छोटी गाड़ी का मान के ही चलिए, जैसे बुलेट है तो इसका तो और महंगा आता है। तो फिर ये आप चीज़ ज़रूर करके जाए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो गाइज मैं आपको सारे पॉइंट्स बता ही चुका हूँ क्या क्या प्रिकॉशन आपको रखने, बाकी इतना ही था इस वीडियो में। होप करता हूँ आपको पसंद आया होगा कंटेंट, आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर मैंने कुछ छूट गया मेरे से तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी इतना ही था वीडियो में, मिलेंगे और बेहतर कंटेंट के साथ। आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस।